ट्यूटोरियल आज मैं आपको कैश बुक के बारे में स्टडी कराऊंगी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। इसके अंदर पूछा गया है कि हम कैश बुक किसे कहते हैं और कैश बुक का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक फाइनेंशियल जर्नल होता है जिसके अंदर जो है सारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो हमने विड्रॉ की हो या फिर हमारे पास कैश आया हो। यानी कि चाहे हमने किसी को कैश दिया हो या चाहे हमने किसी से कैश लिया हो, उन सब की ट्रांजेक्शन जो है हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जब कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको हम जो है जर्नल लेजर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेसिकली ये कैश बुक के अंदर फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रिसिप्ट हो या फिर डिसबर्समेंट हो, यानी कि किसको पैसा वगैरह दिया हो, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो या फिर विड्रॉल्स हो, या हमने बैंक में पैसा जमा कराया हो या बैंक से निकाला हो, वो सारी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं कैश से रिलेटेड जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम क्या है कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है कैश बुक जो है एक सब्सिडरी बुक होती है, जिसको किसके लिए सब्सिडरी बुक है, ये जर्नल लेजर की जो है एक सब्सिडरी बुक की तरह काम करेगी। यानी कि जर्नल लेजर बाद में बनता है, पहले कैश बुक बनेगी और कैश बुक से जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी जर्नल लेजर के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। द कैश बुक इज रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कैश बुक को जो है डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है और जो बैलेंस है वो अपडेटेड रखा जाता है और उसको वेरीफाई किया जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। जैसे आज कैश आया है, आज अगर 1,000 रुपये आए हैं तो उसको आज ही उसके अंदर डाला जाएगा, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरीके से अगर 10,000 रुपये बाहर गए हैं तो उनको भी तभी की तभी तुरंत जो है उसके अंदर लिखा जाएगा। कैश बुक जो होता है वो कैश अकाउंट से अलग होती है और इसके लिए जो एक सेपरेट लेजर अकाउंट को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है देर आर थ्री कॉमन टाइप ऑफ कैश बुक, तीन तरीके की हमारी कैश बुक होती है। एक सिंगल कॉलम होता है, एक डबल कॉलम होती है और एक होता है मल्टी कॉलम, या फिर हम इसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर सबसे पहले अब आता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जर्नली कैश बुक को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखती हैं, कैश डिसबर्समेंट जर्नल या फिर कैश रिसिप्ट जर्नल। यानी कि जो जर्नली हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैश डिसबर्समेंट यानी कि जहां पर हमारा कैश वगैरह गया है उनके लिए अलग अकाउंट बना के मेंटेन करेंगी, और दूसरा जो है कैश जर्नल रिसिप्ट जो जो हमारे पास आई कैश की फॉर्म में, उनको हम अलग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। द कैश डिसबर्समेंट जर्नल वुड इंक्लूड आइटम सच एज पेमेंट मेड टू वेंडर्स। जो डिसबर्समेंट जर्नल होता है उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हमने किसी वेंडर को यानी कि जिससे हमने सामान लिया था उसको हम पेमेंट दे रहे हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन्स हम इसके अंदर लिखते हैं, या फिर कोई भी ऐसा है जिसको हमने पैसा दे दिया जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है पेबल की तरफ यानी कि हमारा जो पेबल खर्चा है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। द कैश रिसिप्ट जर्नल वुड इंक्लूड द आइटम्स सच एज, कैश रिसिप्ट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगी, जैसे कि हमने जो है पेमेंट मेड बाय कस्टमर, यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी, कस्टमर को आपने सामान बेच दिया था, अब जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आया, कैश रिसीव हुआ है। पहले जब हमने वेंडर को पे किया तो कैश हमारा गया था, अब जो रिसीव हमें हुआ है यानी कि हमारे पास आया है तो वो कैश जो हमारा रिसीव है वो हम इसमें डालेंगे, कैश रिसिप्ट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो जो कैश है वो हमें सेल होने पर मिल रहा है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग इन द इन ए कैश बुक। रिकॉर्डिंग किस तरीके से कैश बुक के अंदर की जाती है, सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है दो साइड के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल कैश रिसिप्ट, जितने भी कैश रिसिप्ट होंगे उनको हम लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, यानी कि जितने भी आपको पैसे मिले हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जबकि हमारी जितनी भी पेमेंट होंगी उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है जो कि राइट हैंड साइड होता है, यानी कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उसमें डेबिट क्रेडिट दो साइड होती है, तो राइट हैंड साइड पे जो भी हमने पेमेंट जो है की है वो सॉरी पेमेंट जितनी भी हमें रिसीव हुई है वो हम जो है डेबिट में लिखेंगे, और जो भी पेमेंट हमें देनी है या पे करनी है या हमने पे कर दिया है उस सबको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है एक बैलेंस आपको शो करेगा उसको हम कैश ऑन हैंड कहेंगे, विच शुड बी ए नेट डेबिट बैलेंस इफ कैश फ्लो इज पॉजिटिव। अगर कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव होगा तो कैश ऑन हैंड जो हमारा डेबिट बैलेंस होगा यानी कि नेट डेबिट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टिपिकल सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर जो है चार कॉलम होते हैं, जिसके अंदर डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस और फोलियो नंबर होता है और अमाउंट होती है। टिपिकली यही जो है इसके अंदर
डाले जाते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो ये हेडिंग हमारी होती है, डेट, डिस्क्रिप्शन, फोलियो या फिर अमाउंट या रेफरेंस नंबर। ये जो हेड होते हैं ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप जो डेबिट साइड है उसमें भी इन पांचों हेड को डालोगे और क्रेडिट साइड में भी इनको मतलब कि लिखोगे। जैसे कि अब आपको आगे जो है मैं एक पूरा एग्जाम्पल दिखाऊंगी, इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर क्या आएगा, आप अकाउंट के छोटे नोट्स की छोटे उसमें मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आप जो एक डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन किस नेचर की है, कहाँ से ये पैसा आया है। इन द रेफरेंस और द लेजर फोलियो कॉलम में क्या करेगा, अकाउंटेंट जो है अपने इनपुट के अंदर ये डालेगा कि इसका कौन सा लेजर फोलियो में हमने इसको आगे जाके ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जर्नल लेजर अकाउंट में हमने कहाँ पर कौन से अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया है। द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द फाइनल कॉलम, और जो जितनी भी अमाउंट है उसको हम फाइनल कॉलम के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है द कैश बुक इज सेटअप इन कॉलम्स, जो कैश बुक होती है वो हमारी कॉलम्स में होती है। सिंगल कॉलम के अंदर क्या आता है, डबल कॉलम के अंदर क्या आता है और ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या आता है, इसके बारे में एक बार हम देखते हैं। सिंगल कॉलम के अंदर हमारी ओनली रिसिप्ट को हम रिसीव, जो भी हमें रिसीव हुआ है या हमने पेमेंट की है कैश में, उसको हम शो करते हैं। द बैंक ट्रांजेक्शन्स जो होंगी यहाँ पे डिस्काउंट के थ्रू दिखाई जाएंगी और इनको जो एक सेपरेट लेजर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डबल कॉलम के अंदर क्या होगा, कैश रिसिप्ट पेमेंट के साथ साथ बैंक की डिटेल ट्रांजेक्शन्स भी इसके अंदर शो की जाती हैं। ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या आएगा, सारी इंफॉर्मेशन प्लस में, यानी कि जो डेबिट क्रेडिट या बैंक डिटेल, उसके साथ साथ हम परचेज और सेल्स डिस्काउंट की अभी एक कॉलम अलग से बनाते हैं। अब देखिए इनके तीनों के एग्जाम्पल, ये है हमारी ये सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम के अंदर जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये डेट है हमारी, इसके बाद पर्टिकुलर्स है, इसके बाद लेजर नंबर है यानी कि रेफरेंस नंबर है, फिर लेजर फोलियो, ये अमाउंट है। इसी तरीके से ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। नेक्स्ट आता है डबल कॉलम। डबल कॉलम के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड ऐड हो जाएगा इसमें अमाउंट, और इसी तरीके से इधर भी डिस्काउंट एंड अमाउंट। नेक्स्ट में हमारी बैंक ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड कर दी जाएंगी, यानी कि कैश, अमाउंट, डिस्काउंट, बैंक, और इसी तरीके से इस साइड भी जो है यही सेम कॉलम हमारे रहेंगे। आप चाहें तो इसको एक टेबल मतलब कि जो हमारा अकाउंट है उसको आप बनाकर आ सकते हैं, एग्जाम्पल की तरीके से दिखाकर आ सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।